पहले तो आई रियली सॉरी, मैं 9th एपिसोड लाने में इतना लेट कर दिया कि 3 कॉमिक बुक स्टोरीज कवर कर चुका हूँ, तो सॉरी पहले तो। और साथ ही में चलो यार फटाफट करते हैं इसे, दो अभी दो इशूज इसमें कवर कर रहा हूँ और एक इशू आखिरी बचेगा अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का, और उसको भी रगड़ देंगे एक ही बार में, मतलब 2-3 दिन में उसको भी डाल लूँगा और ख़त्म हो जाएगी भाई आखिरकार स्टोरीज। बाप रे मेरी पहली दूसरी कॉमिक बुक स्टोरी साथ जाकर ही खत्म हो रही है। एक और निकालमी, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब वब्सक्राइब जो करने कर देना यार, वैसे तो करते हैं आजकल बहुत कम है, डर तो होता है। तो चलो शुरू करते हैं, स्टोरी शुरू होती है कंगलंग में। साइक्लॉप्स होप से कहता है खेलने का समय अब खत्म हो चुका है, अब तुम्हें अपनी डेस्टिनी को फेस करना चाहिए, और साइक्लॉप्स उस पर अटैक कर देते, लेकिन तभी वहाँ आयरन फिस्ट आ जाता है, उसे बचा लेता है और उससे कहता है तुम जाओ मैं इसे देखता हूँ, और होप वहाँ से भाग जाती है थंडर को ढूंढने के लिए। और यहाँ आयरन फिस्ट साइक्लॉप्स से बात करता है और उस पर अचानक से अटैक कर देता है, तो साइक्लॉप्स कहता है रियली तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो, क्या तुमने ये नहीं देखा कि मैं किस तरह से पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रहा हूँ, क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा? नहीं, ना तुमने ना अवेंजर्स ने कुछ सीखा है इस बात से, भूल जाओ इसे, मुझे नहीं लगता तुम लोगों में से कोई भी मेरी बात को समझेगा। और साइक्लॉप्स यहाँ आयरन फिस्ट को हरा करके होप की तलाश में निकल चुका है, पर तभी उसके ऊपर आयरन मैन अचानक से अटैक करता है। ये सब कुछ मुझे बुला रही थी ताकि मैं तुम्हारी हाथ लगा सकूं, मजे लो इसके। दूर रसिया के पहाड़ों पर कैप्टन अमेरिका प्रोफेसर एक्स से कहते हैं नहीं आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा प्रोफेसर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर है, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजर है। प्रोफेसर चर्चा कहते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं अब भाग नहीं सकता, मुझे म्यूटेंट काइंड को संभालना ही होगा, जैसे कि तुम जान रहे हो कि अब पूरी की पूरी पावर फिनिक्स फोर्स की एमओ स्कॉट के पास जा चुकी है और वो डार्क फिनिक्स के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, और तुम जानते हो कि ये इनके पीछे पूरी की पूरी म्यूटेंट काइंड पड़ी हुई है, और इन दोनों ने रॉन्ग साइड चुन लिया, मुझे ध्यान रखना होगा कि म्यूटेंट काइंड इनके साथ ना गिर जाए। वहीं दूसरी तरफ यूटोपिया में एमा सभी म्यूटेंट्स को उनके घुटनों के बल बैठा देती है और वो कहती है अब अच्छा लग रहा है, ये सभी अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में, पर तुम्हारे तुम्हें छोड़ करके कैननबॉल, और कैननबॉल कहता है नहीं नहीं नहीं, पर एमा कहती है तुम्हारे शब्द और तुम्हारी थॉट्स मैच नहीं करते, और अगर जब तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इसे करवाओ, और एमा वहाँ से चले जाती है और कैननबॉल यस मैम करता रह जाता है। तभी वहाँ मैग्नीटो आ जाता है और वो कहता है डैम इट फ्रॉस्ट, तुम्हें इस तरह से किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी से भी नहीं। मैग्नीटो आगे कहता है हमारे पास एक चांस है जिससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये पावर पूरी पूरे के पूरे म्यूटेंट काइंड को बदल सकती है, तुम बदल सकते हो। एमा कहती है नहीं हमारे पास नहीं, मेरे पास पावर है। एमा अपने पावर्स का यूज़ करती है मैग्नीटो पर, कहती है तुम अपनी जगह भूल रहे हो लिटिल मैन, और मैग्नीटो यहाँ चिल्ला रहा है मुझे जाने दो। फिर एमा कहती है तुम्हें किसी को भी यहाँ जज करने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक फादर भी नहीं बन सकी, टेलर नहीं बन सकी, तुम एक मर्डरर हो और तुमने न जाने कितने स्टूडेंट्स को मारा है, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है आज, तुम किसी ऐसे पोजीशन पर नहीं हो कि किसी को तुम जज कर सको, तुम बस एक घमंडी पागल हो। और एमा वहाँ से चले जाते हैं और उसका साइकिक लिंक भी वहाँ से छूट जाता है, और मैग्नीटो पूरी तरह से मैग्नीटो के फट गई है यार, सच्ची बोलूँ तो यहाँ पर मैं रोने लगता है ससुरा। वहीं दूसरी तरफ साइक्लॉप्स ने आयरन मैन को हरा दिया और वो कहते हैं स्टार्क तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर इससे कोई मतलब नहीं है, मैं उस लड़की को खोज लूँगा, इस पूरा सिटी में मुझे रोक नहीं सकता, ये तुम्हारी गलती है, आयरन मैन कहता है। उसके बाद स्कॉट कहता है मैं गॉड हूँ, ये मिस्टिकल कुनफू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। साइक्लॉप्स कहता है तुम मेरे रास्ते में फिर से मत आना नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ होप थंडरर को खोजते हुए एक गुफा के पास पहुँच जाती है और वो ढूंढती है, और वहाँ पर थंडरर होता है और वो कहता है मैं यहाँ हूँ होप समर्स, और ये टाइम है तुम्हारे फाइनल लेसन का। वहीं दूसरी तरफ साइक्लॉप्स शहर के बीचों बीच खड़ा होकर कहता है बाहर आओ होप, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। समर्स क्या तुम्हारे अंदर सही में अभी भी अपने आप के लिए विश्वास है? ये कहने वाला हॉकआई था और वो आगे कहता है या तुम सोचते हो कि वो एक पागल है, और थॉर कहता है ये वो टाइम आ चुका है जब तुम्हें अपने क्राइम्स का भरपाई करना पड़ेगा। डटिंग कहता है
अब तेरी बारी है ठुकवाने की। पर साइक्लोप्स बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो अपनी एक ही बीम से उन तीनों को ढेर कर देता है। पर थोर थोड़े टाइम के लिए खड़ा था और साइक्लोप्स कहता है, ये वो टाइम है जब तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। पर तभी कोई साइक्लोप्स के ऊपर हमला करता है। साइक्लोप्स खड़े होकर के कहता है कि दर्द दिया, ये क्या था? और तभी हमें दिखाई देता है साओ लाओ पर चढ़े हुए थंडर और हो, और थंडर कहता है साओ लाओ फिर से करो साओ लाओ। दरअसल ये एक ड्रैगन है जो आयरन फिस्ट की एनर्जी और कंगन का पावर सोर्स है। पर ये ड्रैगन काफ़ी यंग था, बहुत यंग था, इस कारण से ये बहुत जल्दी हार जाता है। इसके बाद साइक्लोप्स उस ड्रैगन के पास आता है और कहता है, यू हर्ट मी, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तुम ये आगे कभी नहीं कर पाओगे क्रिएचर। पर तभी वहाँ अचानक से थंडर आ जाता है और साइक्लोप्स को पीछे से लाट मारता है। होप कहती है, तुमने एक वंडरफुल एनिमल को मारा, तुमने एक छोटी सी बच्ची को हर्ट किया, तुम्हारा हॉनर क्या है साइक्लोप्स? वहीं साइक्लोप्स उठते हुए कहता है, तुम सही में उनके साथ जा रही हो? तुम अपने पीपल से, अपने ही लोगों से हट रही हो क्यों? होप कहती है, देखो तुमने क्या किया है स्कॉट, इस सभी जगह देखो, तुम अपने आप को ही मास्टर बना लिए हो, तुमने इनोसेंट पीपल्स की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। साइक्लोप्स उठता है और कहता है, मैं अपनी स्पीसीज को बचा रहा हूँ लड़की, और अगर ये मुझे एक मॉन्स्टर बनाता है तो मैं एक मॉन्स्टर। अचानक से होप अपने मुंह से सावलाओ की तरह एक ड्रैगन का आग छोड़ती है और साइक्लोप्स ने सबसे पूरा नहीं कर पाता। पर एक मिनट, साइक्लोप्स से ज़्यादा साले यहाँ होप डरी हुई है और वो कहती है, ओ माय गॉड मैंने ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने ये कैसे किया? वही साइक्लोप्स कहता है, तुम बहुत कुछ कर चुकी हो, अब तुम्हारे खात्मे का वक्त आ चुका है। होप हाँपते हुए घर के बाद पहुँचती है जहाँ पर छुपे हुए होते हैं बीस स्कारलेट विच और आयरन मैन, और वो तीनों कहते हैं, रुक जाओ होप, इजी, आराम से। और उसके बाद वो होप बताती है उनको कि वो स्कॉट यहाँ पर है, वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है, और मैंने ड्रैगन फ्लेम का यूज़ किया, मैंने कैसे मुझे नहीं पता। स्कारलेट विच होप से कहती है, होप इट्स ओके, तुम यहाँ अकेली हो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और तब आयरन मैन कहता है, हरामी आ गया, और वो कहता है, तुम स्कारलेट विच कहती है, सभी मेरे पीछे आ जाओ, और वो बहुत पावरफुल अटैक करती है। पर साइक्लोप्स कहता है, मैं पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ जब हम पिछली बार मिले थे। तो फिर से स्कारलेट विच कहती है, ये सब था जो मेरे पास था, मैंने सब यूज़ कर दिया था। आयरन कहता है, हाँ ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। उसके बाद फिर से बीश कहता है, होप तुम्हारे पीछे रहो, और साइक्लोप्स कहता है, ना अब मुझे उस लड़की को दो। और वो भड़क चुकी है, सठिया चुकी है, और वो कहती है, इस सब चीज़ को रोको। और अचानक से ऐसा लगता है कि साइक्लोप्स की पूरी पावर जा चुकी है, और वो कहते हैं, व्हाट हे, तुम्हें ये कैसे किया? और होप उसके पास जाती है और अचानक से अपने हाथ से एक फिनिक्स फोर्स टाइप का एक पंच बनाती है, और वो उठा चैस फिस्ट, और उसका यूज़ वो साइक्लोप्स के ऊपर करती है, और साइक्लोप्स वहाँ से गायब हो जाता है। होप कहती है, वाह ये मैंने कैसे किया, और साइक्लोप्स कहाँ गया आखिर? जैसे कि आप जानते हो कि स्पेस में साउंड नहीं होता, पर स्कॉट समर को उसकी अपनी चीखें सुनाई दी। उसे पूरा घंटा भर लग गया उस अटैक से रिकवर होने में, और वो इस बात को सोचना नहीं सोच पा रहा था कि उसने उसे हर्ट किया। ये इम्पॉसिबल था, और अब उसे और ज़्यादा पावर चाहिए थी, उसे एमा चाहिए थी। एक तो सही में मॉचर ठीक ही चाहिए, सारा सब सिर्फ देखते ही रहता है बस। और कल रंग में पढ़ा चुके थे कैप्टन की पूरी टीम, और उसके बाद टोनी कहता है, या तूने टर्निंग पॉइंट मिस कर दिया। वो कहा है कि हमारी लौंडिया होप ने साइक्लोप्स के पिछवाड़े को फोड़ दिया यार, और मुझे लगता है कि मुझे पता है कैसे। वहीं दूसरी तरफ यूटोपिया में मैग्नीटो बिल्कुल चोटी पर आता है और चार्ल्स से कहता है, चार्ल्स प्लीज़ अगर तुम मेरे थॉट सुन रहे हो तो मेरी बात समझो, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ओल्ड फ्रेंड, और क्योंकि अब एमा और स्कॉट अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे हैं। वैसे बनता है लोग, मैं क्या सोच ले रहा था कि मैं इसमें दो इश्यूज कवर कर दूंगा, लेकिन जब मैं पहुंचा यहाँ तक तो मेरे को लगा कि वीडियो ऐसे भी लंबी हो ही चुकी है, और मेरे को नहीं लगता कि मैं इसमें दोनों इशू को एक साथ कवर करके इसको 16-17 मिनट की वीडियो बना दूँ। वैसे तो बना सकता था, लेकिन जानते हो ना यार, आपको ही बोर लगेगा कभी कभी, इसलिए मैं नहीं किया। तो कोई नहीं, एक दो
घंटे में उसको भी कवर कर लूँगा और उसको भी मैं थोड़ी देर में डाल लूँगा। हाँ प्लीज़ यार, इस बार मैं बहुत डेमोक्रेटिक लाइक एम रख रहा हूँ और लाइक एम आप प्लीज़ कंट्रोल कर दो, कवर कर दो। ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तो औकात नहीं है अपनी, सोचने की भी औकात नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है 200 ठीक रहेगा, 200 लाइक कर दो प्लीज़।